माने सुपना में परनी माई माई माने सुपना मा परिणी
देखिए सुनने में ये बहुत आसान लग रहा है, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मंच पर खड़े होकर आदमी को बहुत सत्य बात कहनी चाहिए। ये बहुत टफ कंपोजिशन है, इस देश की धरोहर। मैं जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, जिन्हें बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ही क्या, पूरी दुनिया जिन्हें बहुत प्यार करती है, स्वर सम्राज्ञी कहूँ, सरस्वती का साक्षात स्वरूप कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी देश की धरोहर लता जी ने इसको गाया है और बहुत सुंदर रचना है। इतना उलझा हुआ कंपोजिशन है और ये धर्मराज बहुत आसानी से गा रहा है। एक बार मैं चाहता हूँ कि बहुत जोरदार तालियों से इसको हम इसकी अनुमत ना करें, इसकी सोच को इसके इसी प्रकार सरस्वती की कृपा इस पर बरसती रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। बहुत मुश्किल कंपोज है बेटा, क्या बात है, बिल्कुल आपका आशीर्वाद। माई माई माई, माई। मेरे पास भी राजी है और बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा आप, और वैसे मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे कि चरणों में गा रहा हूँ। सभी माँ शारदे के पुत्री विराजित है, कोई मोडियो नहीं हो रहा है, तो एक बात कहना चाहूंगा मैं कि मीरा जी के भजन, मीरा के पद, मीरा जी के भजन और मीरा जी के बारे में, ये भजन किसी ने लिखे मीराबाई की छाप गई, और कुछ भजन ऐसे हैं कि जिन्होंने स्वयं मीराबाई ने लिखा, मीराबाई ने जब लिखा तो उसमें एक लैंग्वेज टच करती है, क्योंकि मीराबाई का जन्म मारवाड़ में हुआ, कुड़की में, विवाह मेवाड़ में हुआ, और प्रेम जिससे हुआ वो द्वारकाधीश, और वो थोड़ी अवधि लैंग्वेज भी उसमें टच करती है, ऐसी अवधि अवध की जबान का जिसमें लचक आती है वो पद मीराबाई की। और लता जी ने गाया तो बिल्कुल प्रॉपरली मैं बात कह सकता हूं कि वाकई मीराबाई की रचना है, क्या बात है।
खान साहब की गजल है और गजलों में उनको शहंशाह गजल कहते हैं। गजल गजल के जिनको पिताजी कहा जाता है, बिल्कुल जिनके वंश की कही जाती है गजल। एक बात और कह दूं मैं आज इस मीडिया के सामने कि गजल बेजान हो चुकी थी, कब्र में जा चुकी थी, उसे जिंदा करने का काम किया तो वो उस्ताद मेहंदी हसन साहब हुए, और उसका सिंगार करने का जो काम हुआ, उसको जो अच्छी ड्रेस पहनाई, अच्छा सिंगार करवाया, वे गुलाम अली साहब हुए। ये बिल्कुल सत्य बात है, जिंदा उन्होंने किया मगर उसको इतना सुंदर बना दिया, उसकी वेशभूषा, उसके आभूषण, वो सब काम मेहंदी हसन साहब ने किया। और फिर उसके बाद में तो जगजीत जी, हमारे भारत के भी ऐसे लोग हुए, जगजीत जी, अनूप जी और तलत अजीज जी, इन लोगों ने आगे से आगे इस परंपरा को बढ़ाया। गजल, कोई कहते हैं कि गजल, मैं कहता हूँ गजल एक सीधा सूफीज्म का काम है, सूफीज्म से जोड़ती है, जो उस निराकार से जोड़ने का जो काम करती है वो गजल करती है। अचला राम जी,
अचूर राम जी हमारे संतुए जोधपुर में, उन्होंने जितने भी भजन लिखे वो गजल नुमा लिखे। अब तो दीदार दिखा दे, मैं तेरा हो चुका हूँ, तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूँ। तो ये सब उसी से निकली हुई चीज है, ये सब उस ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म तक पहुंचने की सरल विधि है। और ये थोड़ी समझदारों की विधि है, जो थोड़ा हिंदी उर्दू अरबी फारसी जो जानते हैं वे इस मार्ग से जाते हैं। हम जैसे देसी नांड आती है, वे सिर्फ देसी भजनों से चले जाते हैं। ये विधियां हैं, तू खुदा है शायद कभी ख्वाबों में मिले। तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब के हम ये भावना मीराबाई की, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शब्दावली वही करते हैं। आदमी ध्यान शब्दों के माध्यम से भाव यात्रा करता है। एक फिल्म चल रही है, हम उसको देख रहे हैं और उससे हम चित्र यात्रा कर रहे हैं, हम वो दृश्य देख रहे हैं। शब्द की ऐसी मार है, इससे भाव यात्रा होती है, हम सीधे सीधे उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। तो किस प्रकार मीराबाई ने एक स्थान पर यह भी लिखा और वो कहा कैरवे में, मैं तो लीना, मैं तो लीना सवारी याने मो, ओ मैं तो लीना सवारी याने मो, अरे माही मैं तो लीनो सवारी याने मो। मीराबाई ने कहा कि मैंने भगवान कैसे प्राप्त किए, मुझे मेरे राम जी कैसे मिले। क्या बात है, बता रही है। मैं तो लीना सवारी याने मो, मैं तो लीना सवारी याने मो, अरे माही मैं तो लीनो कभी माही कोई कोई केवे। और हमारे बीच आदरणीय धर्मेंद्र जी गावड़ी साहब का बिल्कुल बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बैकुंठ धाम परिवार से और हम सब कलाकार की ओर से। गावड़ी साहब इसी में पधार जाए, बिल्कुल आरती का भी समय हो रहा है, ऊपरी पधार जाए, गावड़ी साहब ही पधार जाए। केवे फल को कोई केवे भारी, कोई केवे घर को कोई केवे भारी, कोई केवे हर को कोई केवे भारी, कोई केवे घर को कोई केवे भारी। अरे मैं तो लीना,
बहुत भारी चीज है, कोई कहे नहीं सहज है। मेरे भाई ने कहा कि मैंने न तो उस बात को माना न उस बात को माना, मैंने तराजू में तोल के लिया, कहीं कोई फर्क नहीं। अब भाव यात्रा कीजिए, आज आवश्यकता है देश को कि हम सभी भाव यात्रा करें। ओ अरे कोई केवे छाने, कोई केवे चबूरे, कोई केवे छाने, कोई के चोड़े। कोई तो कहता है कि वो है मगर हमको दिखता नहीं है, कोई कहता है कि वो है और हमको दिख भी रहा है, वो है और हमको दिख रहा है। तो कोई केवे छाने, कोई केवे चबूरे, कोई केवे छाने, कोई के चोड़े। अरे मैं तो लीना, मगिरी मेरे तो लीनो डबल धन, मगिरी में तो लीनो गोबिल धन गो। और दो शब्द हमारे दादी जी के लिए मैं गाना चाहूंगा। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। सिंगर के ऊपर रिदम नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर बिल्कुल कोई मॉडियो नहीं, अपने बिल्कुल घर के लोग हैं, बिल्कुल कोई मेला नहीं जा रहा है, सब लोग यहीं कहीं बैठे। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इस दिल में रह गई बात, तुम जल्दी छुड़ा कर हाथ, कहा तुम चले गए, कहा तुम चले गए। चिट्ठी न कोई सुनते, जाने वो कौन जाने, कहा तुम चले गए, हो कहा तुम चले गए, कहा तुम चले गए, हो कहा तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदे, जाने वो कौन सा दे। और मैं चाहूंगा बिल्कुल महेंद्र साहब साथ में गाएंगे, अर्जुन जी आ जाए आप थोड़ा सा दादी जी की श्रद्धांजलि। बिल्कुल अर्जुन जी आ जाए, और ये भी इनका तो हाँ जी आ जाए, आप भी आ जाइए। क्या बात है, यहाँ पता नहीं, मैं थोड़ी देर सामने बैठूंगा साथ में। Thank you.
बिल्कुल बिल्कुल जी। ए, हम मिलते थे तुम मिलते थे बत्तियां थे मुस्काई, हम मिलते थे तुम मिलते थे बत्तियां थे मुस्काई, मुट्ठी से जूर दिख सकती मुट्ठी से जूर दिख सकती पल पल किसकी जाई विदाई होती बड़ी दुखदाई, विदाई होती बड़ी दुखदाई। ये जो रचना के बोल इन्होंने प्रस्तुत किए ये मुकेश जी के पिताश्री आदरणीय पूजनीय परम श्रद्धे हेलो मांगीलाल जी अफंगी साहब ने ये रचना लिखी और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने ये रिकॉर्डिंग की, ये मेरा सौभाग्य रहा। हम मिलते थे तुम मिल पाया, हम मिल उतार के हम मिलते थे तुम मिलते थे बतिया थे मुस्काई, हम मिलते थे तुम मिलते थे बतिया थे मुस्काई, हेलो मिट्टी से दू रेत खिसकती मिट्टी से दू रेत खिसकती पल पल किसकी जाई विदाई होती बड़ी दुखदाई, 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 विदाई होती बड़ी दुखदाई। और इसी क्रम के चलते मैं आज के सत्संग को विराम दे उससे पहले श्रीमान हमारे बीच में धर्मेंद्र जी गावड़ी जो कि एक ऐसा नाम है बिल्कुल जिन्होंने अपने कर्म को इस पूरे क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में एक अलग पहचान कायम करने वाले, मैं चाहता हूं कि एक बार पहले जोरदार तालियों से हम धर्मेंद्र जी का अभिनंदन करें और उनसे कहें कि उनके मन से आपके मन से ये ले रखो। और राजस्थान के बेहतरीन फनकार यहाँ मौजूद हैं, भाई साहब जाइए नहीं मोहनदीन जी, ये पहला कार्यक्रम जी आपके सामने कर रहा हूं। करम गति सोच करो ना कोई हो नहार तलता नहीं होनी हो सो हो, धन धन जोवन रो युगल मत कर मान गुमा, एक दिन ये जड़ जावसी छूटी पलियारा पा, करबन री गत न्यारी न्यारी करबन की गत न्यारी, करबन की गत न्यारी न्यारी करबन की गत न्यारी, करबन की गत न्यारी 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 करबन की गत न्यारी, करबन की गत न्यारी 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 करबन की गत न्यारी, कर मन री कत न्यारी
कभी जल नहीं सकती, पापियों के साथ सुख से फल नहीं सकती, सत्य पर सत्य की विजय कभी हो नहीं सकती। है कोई सभा में इस खंड का मजनून दे, खून बदले खून दे और जान बदले जान दे, यार बन के करता रहेगा उस यार का मुंह भून दे, भगवान ऐसा ना करे कि गंजे को ना खून दे। करमन की गतियारी, करमन की गतियारी, करमन की गतियारी, सब आप बंद कैसे हो गए? चलो एक बार मोटी मोटी नीना दिए मिर्गा को, मोटे मोटे नैना दिए मिर्गा को, अरे बन बन कर दी उजाड़ी। मोटे मोटे नैना दिए मिर्गा को, बन बन कर दी उजाड़ी। ओ बन बन कर दी उजाड़े, छोटे छोटे नैना दिए हाथी को, छोटे छोटे नैना दिए हाथी को, होरण में रेवे जी अगाड़ी, होरण में रेवे जी अगाड़ी, किणवी दी लिखी जी मुरारी, करमन की गतन्यारी, करमन की गतन्यारी, करमन की गतन्यारी, नारी नर करमन की गतन्यारी।
अपने आप नूं पड़ियाई नहीं पड़ी पड़ियाल मुफाजल बणियो कदे अपने आप नूं पड़ियाई नहीं अंदर भज भज वड़ना मंदिर मसीता जेड़ा घर बैठा ओनू फड़ियाई नहीं तू कर सजदा मस्त फकीरा दरी दरी पटे कड़ी दी लोड़े ओ कर सजदा मस्त मैं थोड़ा खाली पेट में जाऊं खाली पेट खाली पेट में हक दी खाइए जी पावे बूट बालशां पावे बूट बालशां करी पावे बूट बालशां कम छोटा वड्डा नहीं ओ कम छोटा वड्डा नहीं कम छोटा वड्डा नहीं बंदे दी नीत है बड़ी खोटी रोटी हक दी खाइए जी पावे बूट बालशां पावे बूट बालशां करी पावे बूट बालशां करी प्रेम से भजन करते हैं प्रेम की भिक्षा वाले गुरु से प्रेम करते हैं ज्ञान की इच्छा वाले सदा सुखी रहते हैं सत्संग की शिक्षा वाले मुक्त बद पाते हैं गीता की परीक्षा वाले राम के नाम में जो अपनी लो लगाएगा सहारे सत्संग के बेकुंठ धाम पाएगा तू ही कहता है मेरा कर्तव्य काम आएगा जैसी करनी करेगा वैसा ही फल पाएगा एक बार ताली बजाइए जोरदार जैसी करनी करेगा वैसा ही फल पाएगा 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 मिला चार दिना दा मेरा चार दिना ओ मेरा चार दिना दा ओ मेरा चार दिना दा ओ मेरा चार दिना दा हेलो दक्षिण तो लो है मेलर मेलर मेला मेलर मेलर मेला मेलर मेलर मेला मेलर मेलर ओ मेला चार दिना दा ओ मेला चार दिना दा ओ मेला चार दिना दा मेला चार दिना दा अलगा तन नगरी मन मंदिर है
परमात्मा इसके अंदर है, दो नैनीय शुद्ध समंदर है, पापी पाप को धोले, काया का पिंजरा डोले, एक श्वास का पंछी बोले, आने की साक्षी जाना है, जाने से क्या घबराना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, जाग जगतिया सोले, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी कोई नहीं किसी का, कहे कबीर ये झगड़ा जीते जी का, चार दिना दा ओ मेला, चार दिना दा ओ मेला, चार दिना दा ओ मेला, चार दिना दा मेला, चार दिना दा ओ मेला, चार दिना दा मेला, चार दिना दा ओ मेला, चार दिना दा मेला, चार दिना दा मेला, चार दिना दा ओ मेला। थैंक यू। इस कार्यक्रम को ये विराम देते हैं क्योंकि सभी कलाकार उठ चुके हैं और मंगल आरती कर रहे हैं। धन्यवाद।